मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कभी कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हैं, तो कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पर, कमलनाथ पर। दरअसल अब इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है जो काफी चर्चा में आ गया है। उनके इस बयान की कुछ लोग निंदा भी कर रहे हैं। दरअसल वो अपने बयान में कहते हैं, कमलनाथ जब तेरी सरकार थी तब गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के लिए इस विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब लोग उनके इस बयान की काफी निंदा कर रहे हैं, तो अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से इसकी प्रतिक्रिया क्या आती है, कमलनाथ इस बयान को किस तरीके से देखते हैं और कब इस पर पलटवार करते हैं। आजकल कमलनाथ मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, 18 सालों का हिसाब दो। ए कमलनाथ, जब तेरी पार्टी की सरकार थी तो गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है, गड्ढों में सड़क ढूंढनी पड़ती थी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? सड़कों का अता पता नहीं था, दादा मुझसे बात कर रहा है। और बताओ, नीमच से मनासा से भोपाल जाने में पहले कितने घंटे लगते थे? अरे याद करो, कितने घंटे? 10 घंटे। अब कितने लगते हैं? मेरे बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है।